तुमने जो स्वेटर मुझे बुनकर दिया है उसमें कितने घर हैं ये मैं नहीं जानता। नहीं ये कि हर घर में तुम कितनी और किस तरह बैठी हो। रोशनी आने और धुआं निकलने के रास्ते तुमने छोड़े हैं या नहीं, सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी एक धड़कन है और उसके ऊपर चंद पसलियां हैं और उनसे चिपके घर ही घर हैं, तुम्हारे रचे घर, मेरे न होकर भी मेरे लिए। अब इसे पहनकर मैं बाहर की बर्फ में निकल जाऊंगा। गुर्राती कटखनी हवाओं को मेरी पसलियों तक आने से रोकने के लिए तुम्हारे ये घर कितने किले बंद कर सकेंगे ये मैं नहीं जानता। इतना जरूर जानता हूं कि उनके नीचे बेचैन मेरी धड़कनों के साथ उनका सीधा टकराव शुरू हो गया है। जहां पसलियां अड़ाऊंगा वहां ये मेरे साथ होंगे, लेकिन जहां मात खाऊंगा वहां इन धड़कनों के साथ कौन होगा। सदियों से हर एक एक दूसरे के लिए ऐसे ही घर रचता रहा है, जो पसलियों के नीचे के लिए नहीं होते। इसे अच्छा था तुम प्यार भरी दृष्टि मशाल की तरह इन धड़कनों के पास गड़ा देती। कम से कम उनसे मैं शत्रुओं का सही सही चेहरा तो पहचान लेता। गुर्राती हवाओं के दांत कितने नुकीले हैं जान लेता। अब तो जब मैं तूफानों से लड़ता जूझता औंधे मुंह गिर पड़ूंगा तो आंखों की बुझती रोशनी में तुम्हारी सिलाइयां नंगे पेड़ों सी दिखेंगी, जिन पर न कोई पत्ता होगा न पंछी, जो धीरे धीरे बर्फ की तरह इस कदर सफेद हो जाएगी जैसे लाश गाड़ी में शव ले जाने वाले। शायद तुम मेरी खोज में आओ और मेरी लाश को पसलियों पर चिपके अपने घरों के सहारे पहचान लो और खुश हो कि तुमने मेरी पहचान बनाने में मदद की है, और दूसरा स्वेटर बुनने लगो।